ये आंखें ये चेहरा ये नूर परी हो या इंसान हो तुम कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने मेरे अपने हमें तो अपनों ने लूटा गहरों में कहां दम था मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था जी हाँ दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, वही अपने इंटेंस लुक वाले अजय देवगन। क्या आप जानते हैं दोस्तों, उन्होंने अब तक बॉलीवुड में 44 से ज्यादा फिल्में दी। इसमें से कुछ फिल्में ब्लॉकबस्टर, कुछ सुपरहिट, कुछ एवरेज और इन सबसे ज्यादा है फ्लॉप मूवी। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि अकेले अपने दम पर फिल्म हिट कराने वाले अजय देवगन मल्टी स्टारर फिल्म भी हिट नहीं करा पा रहे, जैसे कि लंदन ड्रीम्स। इसमें सलमान खान और अजय देवगन दोनों के बावजूद होने के बाद ये फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप रही। इसके बाद आती है ऑल द बेस्ट। इस फिल्म में संजय दत्त, फरदीन खान, विपाशा बसु और स्वयं अजय देवगन थे। ये फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद आक्रोश, तेज, रास्कल, संडे, यू मी और हम जैसी फिल्में आई। इसके बाद और कई फिल्में आई जो फ्लॉप और सुपर फ्लॉप रही। दोस्तों, क्या आप एक बात जानते हैं कि अजय देवगन ने अब तक एक भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं दी, लेकिन लोग उन्हें यानी कि उनके चाहने वाले उन्हें हर रूप में पसंद करते हैं। यानी कि सबसे पहले उन्हें आशिकी के लिए पसंद किया जाता है, उनके इंटेंस लुक वाले डायलॉग दिल वाली मूवी के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। उस फिल्म के डायलॉग, गाने, हर चीज परफेक्ट थी। उसके बाद उन्हें लोग उनके एक्शन अवतार में भी देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद उनका कॉमिक टाइम, उनकी एक्शन, रोमांस, हर चीज सुपरहिट और परफेक्ट रही है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अजय देवगन अपने आप को क्यों नहीं बदल पाए थे उस दौर में, जिसके बाद वो एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दे रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को चेंज किया रोहित शेट्टी के साथ आकर। उन्होंने उसके बाद सुपरहिट सीरीज गोलमाल में काम किया और उसके बाद हर मूवी सुपर डुपर हिट रही सिर्फ अजय देवगन के नाम पर। लेकिन आजकल अजय देवगन आने वाले प्रोजेक्ट में बहुत बिजी हैं, जैसे कि तानाजी, और हाल ही में अनाउंस हुआ है उनका चाणक्य। चाणक्य सिर्फ अनाउंस हुई है, लेकिन अभी वो तानाजी पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में सलमान खान, सैफ अली खान और खुद अजय देवगन हैं। इस फिल्म में वो छत्रपति शिवाजी महाराज के घनिष्ठ मित्र और उनके प्रधान सेवक तानाजी मालुसरे का किरदार निभाएंगे, जिन्होंने कई युद्ध जीते और उनका साथ दिया। ये एक इतिहास की दबी हुई कहानी है जिसके ऊपर आज तक कोई फिल्म नहीं बनी। इसलिए अजय देवगन ने सोचा कि क्यों ना तानाजी को उभारा जाए, क्यों ना तानाजी की कहानी को दर्शकों के सामने लेके आया जाए। एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में कोई ना जानता हो, जिसके बारे में इतिहास में ज्यादा नहीं लिखा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। थैंक यू।